दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यदि आसमान से सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? जरा आप सोचो, अगर एक महीने या एक साल के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा और हमारी पृथ्वी कैसे दिखेगी? यहाँ के लोग कैसे रहेंगे? हम सब जीवित बचेंगे या फिर मर जाएंगे? दोस्तों, यही जानने वाले हैं आप इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, सूरज की ओर सभी ग्रह आकर्षित हैं क्योंकि सूरज के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके वजह से पृथ्वी के साथ साथ और सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। सूरज ही हमारी धरती को गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता है। जरा सोचो, यह सूरज ही ब्रह्मांड से गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी को कौन नियंत्रित करेगा? ऐसे में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं गायब हो जाएगी, क्योंकि सूरज की अनुपस्थिति में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा। सूरज के गायब होने से सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष में कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे। अब अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी भी बिना किसी कंट्रोल के तैर रही होगी। ये सब सूरज के न होने के कारण हो रहा होगा। ये सभी बातें भविष्य की हैं। शायद भविष्य में ऐसा हो सकता है। अगर अंतरिक्ष से सूरज गायब हो जाए तो इसका असर पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूरज के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा छाएगा, आसमान में सिर्फ तारे दिखाई देंगे और चांद गायब हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चांद सूरज से प्रकाश लेकर चमकता है और जब सूरज ही नहीं रहेगा तो चांद के चमकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज के गायब होने से सबसे बुरा प्रभाव हमारे धरती के पेड़ पौधों पर पड़ेगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। सूरज के न होने से धरती के सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही 7 दिन तक हो तो क्या होगा? दोस्तों, 7 दिन तक सूरज गायब रहेगा तो मानो कयामत ही आ जाएगी। अब जरा सोचिए, 7 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, अभी भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका हुआ है। 0 डिग्री तापमान में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो चुका होगा और अब पानी लिक्विड रूप में मौजूद नहीं है, वह बर्फ बनने वाला है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, अब उसका पावर ऑफ हो जाएगी। दुनिया के सारे समुद्र और नदियां के पानी जम चुकी होंगी और ये सब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के चलते हो रहा हो। अब बिजली भी जा चुकी है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी अब वह डैम जम चुका हुआ, इसलिए बिजली से चलने वाली हर उपकरण बंद हो चुकी होगी। पेड़ पौधों के साथ साथ अब जानवर भी बहुत मर चुके हुए होंगे। अधिकतर जानवर मर जाएंगे और पेड़ भी अधिकतर खत्म हो जाएंगे। पेड़ के सूखने से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन धरती से खत्म हो जाएगी तो इंसान और जानवर सभी अपने आप इस धरती से खत्म हो जाएंगे। 7 दिन के बाद इस धरती से सभी जानवर, पेड़ पौधे ये सभी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यह धरती एकदम सुनसान हो जाएगी, बहुत ही शांति, और पूरी धरती पर बर्फ ही बर्फ होगा। पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड में बिना ग्रेविटी के इधर से उधर जाएगी। ऐसे में किसी एस्टेरॉयड और मीटियोर से पृथ्वी टकरा गई और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी तो जान गए हैं कि पृथ्वी का क्या होगा अगर सूरज ना हो तो। लेकिन दोस्तों, क्या होगा मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइबर ना हो तो? दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत ही छोटा है, तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।